के लिए थोड़ी देर के मैं विराम लूंगा, राजू बाबा संबोधित करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चिंटू बाबा उर्फ चिंटू भैया हमारे बीच आए हैं, मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा कि वो उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें, और फिर चिंटू बाबू से मेरा दरखास्त है कि वो अपनी अभिव्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति से अपने संबोधन से हम तमाम श्रोताओं के लिए कुछ चंद मिनट। वर्णनाकारानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको गजाननं मोदगादिसेक्तं कपित्जम्बुफलचारु वचनं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विन्देश्वरि पादे पङ्कजं। या गणेश को किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश की पूजा होती है, या गणेश का मंत्र। माताओं बहनों, मैं एक शुभ कार्य के लिए निकला हूँ। आने वाले चुनाव में मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जो 6 महीने बाद होगा विधानसभा के चुनाव में, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और स्वामी जी का मैं आभारी हूँ, धन्य हूँ कि आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। माताएं, एक अनुरोध है कि मैं घूम रहा हूँ गाँव में, गलियों में घूम रहा हूँ। इस तरह के भ्रष्टाचारी सरकार को, जो 15 साल से लगातार सत्ता पर काबिज है, और रोजगार की जहाँ तक बात है, तो आज आप देखेंगे कि आपके भाई आपके पति दिल्ली जैसे शहरों में, बॉम्बे जैसे शहरों में जाकर के रोजगार करने के लिए विवश था। मुश्किल से मैट्रिक इंटर किया था। माता ने कहा कि बेटा अब हमारे बस का नहीं है, तुमको बड़ा कर दिया, तुम 18-19 साल के हो गए, तो अपनी व्यवस्था देखो। तो हमने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली, और दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली तो माता ने मुझे 2000 रुपए और जाने का दिन था एक कंबल दिया था। माता के आशीर्वाद से मैं वहां गया, खुद भी खड़ा हुआ, और हमारे साथ भाई जो हमसे पीछे गए, वहाँ 400-500 लोगों को रोजगार दिलाने का भी काम हमने अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगहों पे किया। आज की जो स्थिति है बिहार की, माताएं बहनों से अनुरोध है, आज से बाहर न रहे, उनसे बात करेंगे तो उनको बुलाएंगे। होली दिवाली जैसे छठ जैसे त्योहारों में भी आज की तारीख में टिकट नहीं मिलता। हमारे बिहार में तो कोई बाहर का आदमी नहीं आता, हरियाणा का आदमी नहीं आता, पंजाब का आदमी नहीं आता, महाराष्ट्र का आदमी नहीं आता, लेकिन हम सीधी बात करने में हो जाता है। लेकिन आज हमारी बहनें माताएं विवश हैं, क्यों? क्योंकि वो रोजगार के लिए अपने बच्चों को बाहर भेज रही है। और अब तो रोजगार की बात छोड़िए, आज अब शिक्षा की जब बात करेंगे तो शिक्षा के स्तर में भी इतना गिरावट हुआ है कि हमारे भाई आज के डेट में कोटा जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, और राज्य के दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, दूसरे शिक्षण संस्थाओं में जाकर पढ़ रहे हैं। अब एक बार जो निकल गया, मैं निकल गया, तो वहाँ शिक्षा वहाँ ग्रहण करेंगे, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार भी वहीं मिलेगा, क्योंकि रोजगार यहाँ है नहीं। 15 वर्षों की तो बात छोड़िए, 30 वर्षों में भी यहाँ एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा, सुई का कारखाना भी नहीं है। अब है क्या? तो सिपाही की बहाली है और मास्टर की बहाली है। मास्टर की बहालियों में भी आप देख रहे हैं, जो माताएं बहनें शिक्षिका हैं, उनको समय पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है, और शिक्षकों में भी अब बंटवारा कर दिया। अब कोई शिक्षक 40,000 पा रहा है तो कोई शिक्षक को 15,000 मिल रहा है, उसी स्कूल में कोई शिक्षक को 50,000 मिल रहा है तो किसी को 15,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। तो दुविधा है, काम दोनों को बराबर करना है।
तो ये विचार करने का विषय है कि अब जो पुराने लोग थे, पुराने राजनीतिक लोग हैं जो 70 से जमे हुए हैं, वही लालू यादव, वही नीतीश जी, अब इनको बदलने की जरूरत है। मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि जो हमने कष्ट सहा, भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन हमारे भाई को आज आजीवन वनवास हो रहा है। तो मैं जय बजरंग के नारे के साथ, जय श्री राम के नारे के साथ, जय माता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.